शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। क्योंकि तुम ही हो। आपकी माफी से काव्या के चरित्र पर लगा हुआ दाग नहीं धुल जाएगा। पूरी रात वो आपके साथ उस जंगल में अकेली थी, अब किस किस को सफाई देती फिरेगी वो? अब काव्या से कौन करेगा शादी? काव्या से शादी मैं करूंगा। सर, मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी दबाव में आकर इतना बड़ा फैसला लें, क्योंकि ये सिर्फ आपके जीवन का नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का भी फैसला है। मेरे लिए शादी एक बहुत ही पवित्र और पावन बंधन है, जिसमें एहसान की कोई गुंजाइश नहीं होती है। काव्या, पिछले 24 घंटों में तुमने दो बार मेरी जान बचाई। तुमने एहसान किया था ना मुझ पर? एहसान किया था ना? अगर वो एहसान नहीं था तो मैं भी कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। मैंने बस अपने दिल की बात कही। अब मैं तुम पर छोड़ता हूं, चाहे तुम्हारी हाँ हो या ना, मुझे मंजूर है। ये क्या मजाक है? मजाक तो हमारी बेटी का बना। बड़ी बड़ी बातें की थी आपने। हमारी बातें हमारे करण के लिए पत्थर की लकीर है। हमारा करण ये, हमारा करण वो। अब देखिए क्या किया आपके लाडले ने। अब मेरी बेटी का क्या होगा? आपने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा। नहीं अम्मा, ना तो करण का फोन लग रहा है, ना तो ड्राइवर भीम सिंह का। लगता है नेटवर्क से बाहर है। इस हवेली में कुंवर करण का नाम ऊंची आवाज में इस तरह कोई नहीं लेता। साफ साफ बताइए क्या बात है। आपके करण ने सगाई की अंगूठी तो मुझे पहनाई ना, मगर साथ फिर वो उस मामूली की लड़की के साथ नहीं ना चाहता है। और ये बात ना उसने सिर्फ उसके बाप को नहीं बल्कि पूरे समाज के सामने कही है।
इसका नाम काव्या है और ये जो रिंग मैंने अभी अभी उसको दी है वो इसी की है। काव्या से शादी मैं करूंगा। पार्वती जी, करण प्रताप ने काव्या से शादी करने की ठान तो ली, पर जहां तक दो परिवारों की बात है, हमारा कोई मेल नहीं है। पार्वती जी, आपको क्या लगता है, करण की दादी मान जाएंगी? भरोसा रखिए, शिवजी ने हमारी काव्या के लिए सब अच्छा ही सोचा होगा, कोई अड़चन नहीं आएगी। करण जी अपनी दादी को मना लेंगे। मानना तो मैं भी यही चाहता हूं, पर न जाने क्यों मुझे करण की बातों पर पूरा विश्वास नहीं हो रहा है। मैं आश्वस्त नहीं हो पा रहा हूं पार्वती जी। असंभव, हमारा करण ये कर ही नहीं सकता, यह असंभव है। ये असंभव संभव हो गया है, उसने हमारी नहीं आपकी इज्जत उछाली है। जबान सवाल के बात कीजिए, आपको पता होना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हैं। हम जुबान संभालने की बात कर रहे हैं। अरे यहां इज्जत संभालना मुश्किल हो गया है, आगे जो कुछ भी होगा उसे आप ही को संभालना होगा। भवानी सिंह के सामने उंगली उठाना, अभी आपकी इतनी हैसियत हुई नहीं है। इनका गुस्सा भी उचित है। अगर करण ने वाकई में वो किया है जो ये कह रहे हैं तो करण और उनकी दादी पर ना सही, भगवान पर तो भरोसा है ना आपको, जिन्होंने अब तक हम सब की रक्षा की है। आज शिवजी की कृपा से हमारी बच्ची सही सलामत घर वापस आ गई है। मैं तो चाहती हूँ कि हम सब महादेव के मंदिर चलकर काव्या के नाम से एक छोटी सी पूजा कराए। आपने मेरे दिल की बात कहती पार्वती जी, चलिए काव्या को भी साथ लेके चलते हैं। जी, मैं काव्या को बोल कर आती हूँ। भवानी प्रताप सिंह का फैसला इंसान तो क्या, भगवान भी नहीं बदल सकते। बहू तो आप ही बनेंगी हमारे करण की। हमने एक और फैसला लिया है, भानु पंडित जी को फोन करो। जी अम्मा। कुंवर करण और पूर्वा चौहान की शादी आज ही होगी। और वो भी कुल देवी के मंदिर में। महादेव मंदिर जाने की तैयारी करो भानु। जी अम्मा। और मैंने जो कहा वो मेरे दिल से निकली हुई बात थी। मैं आपकी बेटी का हाथ पूरी ईमानदारी के साथ थामना चाहता हूं। मैंने बस अपने दिल की बात कही, अब मैं तुम पर छोड़ता हूं, चाहे तुम्हारी हाँ हो या ना, मुझे मंजूर है।
आयु ये सब हो क्या रहा है? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सब कुछ इतने अचानक से हो रहा है। पहले करण सर और पूर्वा की एंगेजमेंट वाली न्यूज, और फिर मेरा और करण सर का माइंड ब्लास्ट में यूं फंसना, और आज तो पापा जी और माँ के सामने करण सर ने मुझसे शादी करने का वादा कर दिया। काव्या, तुम्हें वही मिल रहा है जो तुम्हारी किस्मत में हमेशा से लिखा था। करण सर थोड़ी देर के लिए तुमसे दूर चले गए थे, और अब तो तुम्हारी शादी हो रही है। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? जिससे तुम प्यार करती हो उससे तुम्हारी शादी होने वाली है। नहीं आयु, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। आप ही से सीखा है मैंने, जब जिंदगी ऐसे मोड़ पर खड़ी हो और फैसला लेना मुश्किल हो रहा हो तो हमेशा अपने दिल की सुनो। और आज मैंने वही किया, कोई समझे या ना समझे, पर आप समझ जाओगे कि मैंने जो फैसला लिया उसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। लीजिए अम्मा, करण का फोन रिंग हो रहा है। करण, आप सीधे महादेव कुलदेवी मंदिर आ जाइए। महादेव के मंदिर? पर दादी, आप तो मेरा घर पे इंतजार कर रही हैं। मुझे लगा घर पे आना है। वहां पर ऐसा क्या हो गया? सब ठीक है ना? सब ठीक, करने ही मंदिर जा रहे हैं। कुलदेवी के मंदिर चलो। काव्या, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, महादेव मंदिर जा रहे हैं दर्शन के लिए। आयुष्मान बेटा, तुम भी साथ चलो। आंटी, अगर जरूरी ना हो तो मैं अपने घर जाऊं। ठीक है बेटा, तुम भी थक गए होंगे, जाओ आराम करो। चलो काव्या, तुम चिंता मत करो, एक ना महादेव के मंदिर में जाने के बाद तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। भानु, पंडित जी को बताया था ना, तो अब तक आए क्यों नहीं? हमें तैयारी इस तरह करनी है कि जैसे ही करण आए हम। अदिमा, अदिमा जीते रहिए। ये क्या हो रहा है? अदिमा, जो भी हो, मुझे आपसे अकेले में जरूरी बात करनी। आपकी जरूरी बात क्या है ये हम जान चुके हैं। आपकी गलती को हमने क्षमा कर दिया है करण। अब अगर अपनी गलती सुधारनी है तो बिना कोई सवाल किए पूर्वा के गले में मंगलसूत्र डाल दीजिए। दादी माँ, ये क्या हो गया आपको? मैं ये नहीं कर सकता हूं, मैं पूर्वा से शादी नहीं कर सकता। मैंने किसी और को वचन दिया है। हमने भी पूर्वा और उसके माता पिता को वचन दिया है कि आपकी शादी पूर्वा के साथ होगी, उसका क्या? पर दादी माँ, देखो करण, आपने अब तक हमारी कोई बात नहीं डाली है। आपने ही क्या, आपके पिताजी ने भी हमारी कोई बात नहीं डाली। अब तो निर्णय हो चुका, आपको इसी समय इसी जगह पूर्वा से शादी करनी होगी। हे शिवजी, आपकी कृपा मुझ पर हमेशा बनी रही है, पर जब से आपने ये सांप सीढ़ी का खेल। अरे बेटी, तुम भी यहाँ पर आ गई। मुझे ये तो पता था कि तुम्हारी शादी करण जी से होने वाली,
लेकिन इतनी जल्दी और इस तरह से होगी ये पता नहीं था। ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी, पर आपको कैसे पता चला? बेटा बाकी बातें बाद में कर लेंगे, चलिए वहां पर सब इंतजार कर रहे हैं, आइए। ये पंडित जी कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? बताए, ओम भाई साहब ने जब तुमसे कहा कि मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात पूछना है, मुझे लगा क्या लगा माँ? यही ना, क्या जो अंकल ने पहली बार देखा कि मैं काव्या से कितना प्यार करता हूं, और शायद इसीलिए वो ये पूछना चाहते थे कि क्या मैं काव्या को अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूं। काव्या को मैं अपनी जीवन साथी बनाना तो चाहता हूं, पर मेरे जाने से क्या होता है? माँ, काव्या करण सर से प्यार करती है, वो कल भी उन्हीं से प्यार करती थी, आज भी उन्हीं से प्यार करती है, मुझे पूरा भरोसा है करण सर के साथ वो बहुत खुश रहेगी। रे मेरी प्यारी माँ, काव्या की खुशी से बढ़कर मेरी खुशी है क्या? वो भी तो आप ही की बेटी है ना। और कितनी बार एक ही बात दोहराऊं करण, आपने हमारा प्यार देखा है, नाराजगी नहीं। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, पूर्वा से इसी समय शादी करके हमारे वचन को पूरा करो। दादी माँ, मैं जानता हूं आपका फैसला कोई नहीं बदल सकता, लेकिन आपने पूर्वा से मेरी शादी का जो फैसला किया है वो मैं नहीं मान सकता हूं। मैंने काव्या और उसके परिवार को वचन दिया है। मगर हमारे वचन का क्या? आप पूरे समाज के सामने हमें अपमानित करेंगे और क्या आप खुश रहेंगे? दादी माँ, आपके मान सम्मान के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन मैं पूर्वा से शादी नहीं कर सकता। दादी माँ, पिछले 24 घंटों में काव्या ने मेरी दो बार जान बचाई है, दो बार। और अगर आपके सामने आज मैं जिंदा खड़ा हूं ना, उसकी वजह काव्या है। एक पल के लिए सही, पर कभी खुद के बारे में भी तो सोच लिया कर बेटा। खुद के बारे में नहीं माँ, आपको सुन के थोड़ा फिल्मी लगे, पर वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों के लिए आप अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करते। काव्या मेरे लिए वही है, अगर कभी कोई गोली भी चली ना जो काव्या की तरफ जा रही होगी, मैं खुशी खुशी उसे अपने सीने पर ले लूंगा। और आप तो खुद एक माँ है ना, आप तो मुझे समझ सकती हैं, प्यार के इस रंग को आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। माँ मैं खुश हूं मां, प्यार करने से बड़ा होता है प्यार निभाना, मुझे निभाने दो मां। उसी काव्या पर आज समाज उंगली उठा रहा है, तो क्या मैं उसका साथ ना दूं?
अगर आप मेरी जगह पर होते तो क्या करती? मैं उसके शादी की पूरी जिम्मेदारी उठाती, बड़े धूमधाम से उसकी शादी करती, मगर एक नए वचन के लिए अपने पुराने वचन को नहीं तोड़ती। ऐसा पुराना वचन? कौन सा वचन? अगर मैं जिंदा नहीं बचता तो कौन सा वचन रह जाता दादी माँ? दादी माँ, पूरा समाज काव्या के चरित्र पर उंगली उठा रहा है, वो भी मेरी वजह से उठा रहा है। दादी माँ, अगर आप काव्या की शादी भी कर देंगी तो क्या समाज उस पर उंगली नहीं उठाएगा? बहुत सोच समझकर मैंने ये फैसला किया और मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। मैं पूर्वा से शादी नहीं करूंगा। दादी माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। आई एम रियली सॉरी। रिश्ता तोड़ने की जिम्मेदारी मैं अपने सर पर लेता हूं। मैं पूर्वा से शादी नहीं कर सकता हूं। I'm sorry. पूरा नाम भवानी प्रताप सिंह। क्या हुआ भवानी जी आपके प्रताप का? आज सबके बीच में आपका पोता आपके ही फैसलों की धज्जियां उड़ा रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रही। लक्ष्मण रेखा लांघने की कोशिश मत कीजिए। याद रहे कि आप भवानी प्रताप सिंह से बात कर रहे हैं, हद में रहिए अपनी। करण की शादी पूर्वा से ही होगी। दादी माँ, सच तो ये है ना कि करण और काव्या का पहले से ही चक्कर था। लड़के ने लड़की की जान बचाई, लड़की ने लड़के की जान बचाई, और दोनों के जवाब कितने मिलते हैं? इसका मतलब साफ साफ है कि ये सब पहले से तय था। दादी माँ, आपका विश्वास जीतने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। काव्या और करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए और अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।